अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम करते हैं अपने चैनल में। सो गाइस, सहरी लग चुकी है मेरी और इनकी, और सहरी लगते लगते आप लोग को हम दिखा रहे हैं, ये जो दो आंखें नज़र आ रही है ना, ये है हमारे बिल्लू की, जो रोज़ यहाँ आ जाता है सहरी के टाइम पे। उसे पता होता है कि मुझे यहाँ जाना है और ये आ जाता है। ये देखें गाइस, और बेचारा ठंड में रोज़ आ जाता है बाहर, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है इस टाइम पे, और ये भी आ जाता है। अब बस दरवाज़ा खुलने की देरी होती है और ये अंदर या नीचे भी आ जाता है। ये देखें, विंडो खोल दी और ये आ चुका है। अब इसको मैं बोटी शोटी दूंगी, उसके बाद बोटी लेके ये अपनी मंजिल फिर दोबारा चला जाएगा। पता नहीं ये किसका है, बहुत प्यारा सा बिल्लू है, कहाँ से ये आ जाता है, लेकिन रोज़ हमारी सुबह इसकी शादी होती है। मैं अब बेलो पे बिल्लू बिल्ली बिल्ली बिल्लू, चलो आ जाओ ऊपर आ जाओ। सो गाइस, बोटी मैंने यहाँ उठा ली है। अब ये देखो, इसको सिर्फ खुशबू आनी चाहिए बोटी की। अभी ये सोचो कि कहाँ से खाऊँ। नीचे नीचे जाली तो हुई 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 गेरी। चल खा ले बोटी, ले और भाग जा। अब दोबारा खुद ही आएगा, बोटी उठाएगा और जाएगा। तो हम चलते हैं अभी और सैरी करते हैं। उठा ली, अब चला गया। सो गाइज, आज ना बच्चों को नहीं उठाया है सैरी करने के लिए, क्योंकि इनके पापा ने कहा बच्चों को थोड़ा देते हैं रेस्ट, ताकि बच्चे थोड़ा रेस्ट कर लें, एक दो दिन के बाद फिर दोबारा इनको रोज़ा रखाएंगे। तो आज नहीं उठाया है, अब देखते हैं कि ना क्या होता है, और ईशान सुबह क्या बोलते हैं, अशर क्या कहते हैं। और यहाँ बाहर सारा टंकी का पानी भर गया और सारा पानी बाहर गिरता गया। अभी अरीब और ये दोनों मिलके सफाई कर रहे हैं। A few hours later. So friends, यहाँ पे सुबह को स्कूल जाना था बच्चों को, और मुझे करने थे कपड़े इनके आयरन। यहाँ जल्दी जल्दी मैंने कपड़े इनके रख दिए आयरन करने के लिए, और बच्चों को नाश्ता वाश्ता देके और ये चले गए स्कूल। 3 hours later. So guys, अभी हम लोग के सामान हो गए, तो हमारे सामान आ चुके हैं। देखते हैं कितना सारा सामान है हमारे पास। मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, गिटार ने बहुत टाइट है, अभी मैं निकालूंगा। इसको पकड़ो, सबसे पहले हमारे पास ये जूस की बोतल, स्लाइस जूस, फिर ये पाकुला की बोतल हमारी, ये पाकुला देख सकते हैं, छोटी और ये बड़ी है। ये हमारे टैंक के दोबारा से हमारे चिप्स का डबल खाते का डबल, आप और ना अशर खा लो, जाओ जल्दी गाइस। अभी हम लोग ये एक निकाल लिया है और बाकी हम लोग अजान हो रही है, अजान अजान। इस फ्रिज की सफाई भी चल रही है, साथ साथ में मैंने कहा ऑर्डर भी कर दिया था, ऑर्डर भी आ चुका है। तो अभी मैं इसमें फ्रिज साफ करती हूँ, सामान रखूंगी ये सारे। यहाँ पे अभी मैं चाय बना रही हूँ और बच्चों को मैं दूंगी चाय नाश्ता। अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय नाश्ता, क्योंकि बच्चों को मुझे चाय नाश्ता देना है। चाय पापे दूंगी अभी इनको, ताकि ये खा ले और फिर जाए ये लोग ट्यूशन। तो यहाँ पे फ्रूट्स भी आ चुका है, और कल वाले ये जो पुलाव था ये भी बचा हुआ पड़ा हुआ है। अब मुझे खाना भी बनाना है। यहाँ पे चिकन जो है मैरिनेट की हुई मेरे पास पड़ी हुई थी, उसको मैंने वो कर लिया। अब आलू बॉईल करूँगी और इसके कटलेट्स बनाऊँगी। तो बस अभी पहले नाश्ता दे दे बच्चों को और इसके बाद ये करते। फ्रेंड्स, आलू और मटर मैंने जो है यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। पहले मैं फ्राई कर रही थी मटर को, फिर मैंने सोचा नहीं फ्राई नहीं करती हूँ, डायरेक्ट मैं बॉईल करने रख देती हूँ। और यहाँ सारी चिकन निकाल दी है मैंने, और चिकन का भी कुछ अच्छा सा सालन बनाते हैं क्रीम वाला। और ये जो सारी स्लाइस उस दिन बची थी मैंने सारी रख दी इसमें, और मैंने सोचा इसको सारे में अब क्रश कर दूँगी और उसमें क्या कहते हैं यार चॉपर में डाल के, फिर क्या होगा कि ये हमारे पास ब्रेड क्रम्ब बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी थोड़ी सफाई भी कर ली हाथ के हाथ, वरना बहुत मैस हो जाता है। अभी बच्चों को नाश्ता दिया था तो यहाँ सारे बर्तन भी ऐसे ही पड़े थे। चलिए इसको बॉयल होने के लिए यहीं छोड़ दी। और इस बच्चे ट्यूशन गए हुए थे और आ चुके थे ट्यूशन से। अब मैं यहाँ बना रही हूँ वो क्या कहते हैं यार, क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप। हाँ, वो जो बची हुई स्लाइस थी ना,
जो उस दिन मैंने बनाए थे। अब इसको मैं बना रही हूँ ब्रेड क्रम्ब। यहाँ मैंने ऑलरेडी बना दिया, अब इसको थोड़ा सा अलग करेंगे। इसमें से बड़े बड़े मोटे वाले और पतले वाले वहीं रहने देंगे और हमारे ब्रेड क्रम्ब रेडी है। तो ये रहे हमारा ब्रेड क्रम्स। तो चलिए इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकल जा यार, ऐसे नहीं निकलेगा। हाँ चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी को इसी बॉल में डाल देते हैं वापस। तो ये रहा हमारा ब्रेड क्रम्स। अगेन एक दो स्लाइस बची है, उसको भी कर देंगे हम क्रश। बहुत ही हार्ड हो चुकी है ये, पता नहीं ये होगी या नहीं होगी, देखते हैं गाइस। गाइस एक बार और इसको हम कर देंगे मिक्सचर में डाल के ताकि सही से चूरा बन जाए। गाइस अब हुए ना माशाल्लाह से, देखें कितने ज़बरदस्त से हो गए क्रम्स। चलिए दूसरे को भी ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके चने भी बना रही हूँ और यहाँ मेरे छोटे से नन्हे मुन्ने से चने रेडी हो चुके हैं। अब मैं गरम करूँगी यहाँ के पैटीज का मसाला और क्या बोलते हैं कटलेस का रेडी ही। बिल्कुल कटलेस और पैटीज दोनों बना सकते हैं हम। तो मैं अभी बना रही हूँ कटलेस। हाँ मैं बना रही हूँ यही कटलेस, ये देखिए काफ़ी बना चुकी और बाकी अभी दो चार और बनाऊँगी कि हमारे कटलेस माशाल्लाह से रेडी हो जाएंगे और फिर हमें बनाना है शरबत। बाकी जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं क्योंकि अफ्तारी में बाकी 20 मिनट, आई थिंक 20 से 25 मिनट रह गए हैं। तो बस अभी इंशाल्लाह जल्दी जल्दी बेसन लगाते हैं। ये रहे फाइनली हमारे कटलेट माशाल्लाह से, इतने बड़े बड़े जंबो साइज के कटलेट बने। और यहाँ पे थोड़े से मैंने समोसे भी उठा लिए, मैंने कहा समोसे भी दो चार ना फ्राई कर लेते हैं। अरे यहाँ पे दही बड़े भी बन चुके हैं, चलते हैं अभी जल्दी दस्तर की जाने। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ाई, वाइट कढ़ाई बना रही थी यार, ये क्या हो गया। लेकिन इसमें ना मसाला वो डाला है तो वाइट की जगह यहाँ पे ना मुझे ब्लैक लग रही है, तो इसमें क्रीम वगैरह डालेंगे, आई होप कि अच्छा कलर आ जाए। ये देखें, लेकिन मैंने मसाला जो है ना ये मेहरान का था तो ये मैंने डाल दिया, इसीलिए शायद इससे ऐसे लग रहा है कलर। इसलिए बस जल्दी जल्दी पकाते हैं। और बच्चों को मैंने दे दिया यहाँ पर खाना, ईशान जो है चाय रोटी खा रहा था तो इसलिए मैंने चाय रोटी बनाई थी। अभी अक्षर की भी रोटी, हाँ चाय पराठा, और अक्षर का भी रूहान की भी बना दिए। अब बस इस रूहान को भी चाय पराठा दे दूँ फिर बस खाना हम भी खाते हैं। ये रही हमारी वाइट कढ़ाई, बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से, यम्मी यम्मी से दिखती होगी। यहाँ हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है और यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी है तो इग्नोर कीजिएगा, खैर। और बाकी किचन का हाल भी थोड़ा ख़राब हो चुका है, बस खाना बना खाने के बाद जल्दी जल्दी हम ना किचन को भी साफ़ करते हैं सो फिर हम भी खाते हैं खाना। तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग तो यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चले नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।